फ्रेंड्स, वेलकम टू छंदस किचन एंड ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? तो चलिए आज हम लेके आए एक नया रेसिपी, बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से आज हम बनाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमने लिए है सलगम, देख सकते हैं यहाँ पर लिए हमने सलगम। इसे हम अच्छे से काटेंगे और इसके साथ एक आलू भी ऐड करेंगे। तो इसका आज हम सब्जी बनाएंगे। उसके साथ हम देंगे एक दो श्रिम्प है, इसे हम ऐड करेंगे। तो आज हम बनाएंगे श्रिम्प और सलगम और आलू का सब्जी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम श्रिम्प को अच्छे से साफ कर लेंगे। तो चलिए मेरे साथ बने रही है, हम इसे कैसे साफ करते हैं वो मेरे साथ देखिए। तो इस तरह से हम सारे देखिए एक तो हम कर लिया है अच्छे से, इसका ऊपर जो ये रहता है छिलका वगैरह। तो देखिए इस तरह से बाकी सारे संग को हम इस तरह से सब कर लेंगे। अब सारे को श्रिंक को हम सब करके अब लोग को दिखाएंगे। तो देख सकते हैं सारे श्रिम्प हमने अच्छे से साफ करके धो भी लिए हैं, देख सकते हैं। अब हम इसे एक साइड में रख देंगे। आप जो शलगम है उसे हम अच्छे से काट लेंगे। तो इसे हम पहले काटेंगे। इसका जो छिलका होता है थोड़ा टाइट होता है, तो इसको हम इस तरह से काटेंगे। आप लोग चाहे तो किसी भी ऐसे काट सकते हैं। इस तरह से पहले इसका हम छिलका निकाल लेंगे। बहुत ही टेस्टी होता है। तो आप लोग चाहे तो सिर्फ सलगम का ही सब्जी बना सकते हैं, लेकिन इसमें साथ एक आलू देंगे तो अच्छा ही लगेगा। तो जो आलू खाना नहीं पसंद करते वो इसमें आलू मत डालिए। इस तरह से छिलका निकल लेना है। तो देख सकते हैं सारे छिलका निकले। अब इसे हम काट लेंगे। अब लोग चाहे तो कोई भी शेप दे सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा बड़ा साइज का काटेंगे ताकि हम कुकर में एक सीटी भी लगाएंगे। अब लोग ये थोड़ा मतलब पकने में टाइम लगता है, तो इसलिए हम कुकर में सीटी लगाएंगे। जिसके पास टाइम है वो ऐसे कढ़ाई में बना सकते हैं। तो देख सकते हैं इसी शेप में हम सारे सलगम को काटेंगे। तो देखते रहिए और मेरे साथ बने रहिए। तो देख सकते हैं सारे सलगम को हमें पर काट लिया है और इसके साथ हमने एक आलू को भी सेम शेप में ही काटा है। तो देख सकते हैं आप इसे हम बॉईल कर लेंगे। तो इसे हम एक ही सीटी लगाएंगे, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा लगाने से ज़्यादा पक जाएगा, लेकिन एक सीटी काफ़ी है। अब लोग चाहे तो एक या दो सीटी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर एक ही सीटी लगाएंगे। तो सारे सलगम और आलू को हम कुकर में डाल देते हैं। तो सारे डाल दिए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार। अब दे देंगे हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर। हाफ टी स्पून से भी कम होगा, मेरे चम्मच थोड़ा छोटा है, तो इसी साइड में हम हाफ टी स्पून ही डाला है हल्दी पाउडर। अब इसे हम लगा लेंगे सीटी। तो अब दे देंगे इसमें थोड़ा सा पानी। पानी हमने डाल दिए है, अब इसे हम सीटी लगा लेंगे। वन ही सीटी लगाएंगे, आप लोग चाहे तो दो भी लगा सकते हैं। तो वहाँ पे सीटी हो रहा है, तो यहाँ पे जो ब्राउन है इसमें हम क्या थोड़ा सा नमक और हल्दी के साथ मैरिनेट करके रख देंगे। तो इसमें हम डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार। अब दे देंगे हल्दी पाउडर।
तो हल्दी पाउडर दे दिए, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अच्छे से मिक्स करना एकदम जरूरी है ताकि नमक मछली के अंदर चला जाए, आई मीन सीप के अंदर चले जाए। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिए है प्याज, ज़्यादा कुछ मसाला हम नहीं लेंगे, तो प्याज ले लिए हमने। प्याज को हमने बारी बारी काट लिए है, देख सकते हैं। और अदरक लिए है, अदरक को हम दरदरा सा पीस लिए, और लहसुन को हमने दरदरा सा पीस लिए है। और इसके साथ लिए है हमने टमाटो, टमाटो को भी हमने बारी बारी काट लिया है, और तो देख सकते हो। और इसके साथ जो मसाला यूज़ करेंगे वो हम बाद में दिखाएंगे। तो देखिए आप जो शलगम और आलू अच्छे से बॉयल हो चुकी है, तो आप लोग को भी दिखा देते हैं। और इसे हम पानी से छान लेंगे। इसका जो पानी होता है आप लोग चाहिए तो सब्ज़ी में यूज कर सकते हैं, और नहीं यूज करेंगे तो फेंक भी सकते हैं, लेकिन मैं तो यूज करूँगी। और क्या होते हैं सब्ज़ी का जो नीचे स्टॉक होता है, इसे आप स्टॉक कर भी रख सकते हैं। कोई किसी को सब्ज़ी जब बनाए, कोई भी सब्ज़ी जब बनाएंगे ना तो सब्ज़ी में डाल भी सकते हैं। तो देखिए स्टॉक है, इसे हम रख देंगे सब्ज़ी में डालने के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो देख सकते हैं यहाँ पे कढ़ाई मेरा गरम हो चुकी है, बहुत अच्छी से कढ़ाई गरम हो चुकी है। आप इसमें हम डाल देंगे व्हाइट तेल, हम व्हाइट तेल में श्रिंप को फ्राई करेंगे और सरसों का तेल में सब्जी बनाएंगे। तो देखिए व्हाइट तेल हमने डाल दिए है श्रिंप को फ्राई करने के लिए। तो तेल मेरा गरम हो चुकी है, आप इसमें हम डाल देंगे श्रिंप। तो श्रिंप को भी फ्राई करना एकदम ज़रूरी है, तो देखते रहिए और मेरे साथ बने रहिए। जब भी कुछ मछली फ्राई करिए तो तेल को गर्म करना एकदम ज़रूरी है, हम गैस को लो कर दिए हैं। तेल को मैंने पहले हाई फ्लेम में गर्म कर लिया, उसके बाद हम लो कर दिए गैस को। अब इसे हम फ्राई होने देंगे, हम मीडियम भी नहीं करेंगे, बस लो करके ही हम श्रिंप को आज फ्राई करेंगे। तेल के साथ अच्छे से इस तरह से हम मिला लेंगे, इसे हम फ्राई होने दे देंगे। जब तक फ्राई नहीं होता है तो बाकी का जब भी हम कर लेंगे, तो इसे आप पहले फ्राई होने देंगे अच्छे से। फ्राई होना ज़रूरी है मछली, ताकि जो उसका कच्चापन होता है वो दूर हो जाए। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए। तो ब्राउन श्रिंप को एक बार हम ब्राउन भी बोल सकते हैं, लेकिन इस बार इसे एक पलट देंगे इस तरह से। इसे फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन मैं लो फ्लेम में फ्राई कर रही हूँ तो थोड़ा टाइम भी लगेगा। तो देख सकते हैं बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है ब्राउन श्रिंप, बहुत अच्छे से देख सकते हैं फ्राई हो चुकी है। तो बीच से तेल भी निकला है, तो श्रिंप को इस तरह से एक साइड में हम कर लेंगे ताकि बीच में तेल भी रह जाए, ऊपर में श्रिंप भी आ जाए। अब इसे निकाल लेंगे, निकल लेंगे एक बॉल में। तो बीच में देखिए बीच में तेल है, तो सारे श्रिंप को हम निकल लिए हैं। अब इसी कढ़ाई में हम डाल देंगे सरसों का तेल। तो सारे फ्रेम फ्राई हो गए, अब निकल भी लिए। अब इसे हम डाल देंगे सरसों का तेल 3 टीस्पून। इसके साथ ही हम तेल गर्म हो चुकी है और गैस को हमने लो कर दिए। अब इसे हमें दे देंगे हम कटे बारीक कटे हुए प्याज। प्याज हमने डाल दिए, इसके साथ ही हम दे देंगे अदरक। तो अदरक को भी हम इसमें दे देंगे। अब इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो प्याज को हम ब्राउन होने तक ही पकाएंगे।
गैस को हमने मीडियम कर दी है ताकि प्याज जल्दी पक जाए। देखिए तो प्याज गोल्डन कलर हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे लहसुन, थोड़ा सा इस तरह से हम चला लेते हैं। अदरक भी अच्छे से फ्राई हो चुकी है, मतलब प्याज और अदरक अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें हम डाल देंगे लहसुन, एक एक करके हम सारे चीज़ों को डालेंगे। तो लहसुन को हमने डाल दिए है, अब इसे भी प्याज और अदरक के साथ अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन भी दूर हो जाए। लेकिन मसाला, जो भी मसाला है, सब अच्छे से एकदम फ्राई होना जरूरी है। मसाला कच्चा रह जाएगा तो सब्जी का टेस्ट ही अच्छा नहीं होता है। तो देखिए लहसुन भी धीरे धीरे फ्राई हो गया है। गैस को हमने लो कर दी है क्योंकि ज़्यादा मसाला जल जाने का चांस है, इसलिए गैस को हमने लो कर दी है। अब इस तरह से इसे फ्राई करना है। अब इसमें डाल देते हैं हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून, पहले क्योंकि पहले सब्जी में भी हल्दी पाउडर डाला है जो हमने बॉईल किया है, और इसलिए इसे हम हाफ टी स्पून ही दे देंगे हल्दी पाउडर। इसके साथ हम ऐड करेंगे जीरा पाउडर 1 टी स्पून। दे देंगे लाल मिर्च पाउडर, आप लोग जितना तीखा खाना चाहेंगे उतना ही दे सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर हरी मिर्ची नहीं डाला है तो इसलिए हम लाल मिर्च पाउडर डाला है तीखा वाला, तो इसमें कलर भी आएगा और सब्जी का तीखा भी हो जाएगा। आप हम दे देंगे टमाटो, बारीक काटे हुए टमाटो। टमाटो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टमाटो को अच्छे से इस तरह से चलाना है ताकि टमाटो अच्छे से बॉयल हो जाए और सारे मसाले के साथ मिल भी जाए। नमक दे देती हूँ स्वाद अनुसार। तो मसाले को अच्छे से इस तरह से पकाना है। बीच बीच में हम टमाटो को भी इस तरह से मैश कर देंगे। इसमें हम ढक्कन नहीं देंगे क्योंकि सारी चीज़ अच्छे से पक चुकी है, बस टमाटो को भी बारी बारी काट ली है। तो सारे मसाले को इस तरह से हम कर लेंगे, आई मीन फ्राई करेंगे मसाला को। मसाला को रेडी करने एकदम जरूरी है। तो देख सकते हैं मसाला मेरा अच्छे से रेडी हो गया, तेल भी ऊपर में आ चुकी है। अब इसमें हम डाल देंगे बॉयल हुए शलगम आलू, तो सारे चीज़ों को हम डाल देंगे। देख सकते हैं इसे अच्छे से मसाले के साथ मिक्स करना है। अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे इसे इस तरह से। गैस को हमने लो से मीडियम करके रखा है। कोई भी सब्जी मसाले के साथ एकदम अच्छे से मिक्स करना जरूरी है ताकि मसाले भी सब्जी के साथ अच्छे से मिल जाए। तो बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है जो मसाला है। अब इसमें हम डाल देंगे जो सब्जी का स्टॉक है, तो इसे हम दे देंगे। तो आपको जितना ग्रेवी खाना है तो उसी हिसाब से डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इतना ही डाला है जो स्टॉक रखा है सब्जी का, और उसे इतना ही हमने डाल दिया है। तो देखिए ऐसे भी आलू और शलगम बहुत अच्छे से पक चुकी है, ज़्यादा पानी डालने का ज़रूरत भी नहीं है। इसे हम अच्छे से पकने देंगे, थोड़ा सा उबाल आ जाए, ज़्यादा पकने का जरूरत। अब इसमें हम डाल देंगे श्रिंप, को डाल के अच्छे से हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर मेरे चैनल में जो भी नए आते हैं, वीडियो को फुल वॉच करिए और वीडियो को स्किप ना करके फुल वीडियो वॉच करें, और वीडियो को फुल वॉच करके सब्सक्राइब करना और मेरे साथ बने रहना, मुझे थोड़ा सा सपोर्ट भी करना। लास्ट में इसमें हम दे देंगे गरम मसाला जो कि बहुत ही टेस्ट ले आता है। तो देख सकते हैं रेडी हो गए मेरे शलगम आलू और श्रिम्प का सब्जी। अगर मेरी रेसिपी आप लोग को पसंद आए तो जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करने के लिए मत भूलिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर भी करिए। और फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, अब इसी को किसी को साथ भी खा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।